कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम दीपम ज्योति नमोस्तुते। कृपया एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी फैज अहमद सर से कि रॉयल फैमिलीज की कुजीन है उसको हम आम जनता तक पहुंचाएं और उससे हम पर्यटन को तो उनको आमंत्रण दिया है जो यहां आकर के और दारियाना एलन जो आइलैंड से आई हैं आज हमारे शुक्रगुजार हूं उन रॉयल फैमिलीज का जो आए हैं। जब दैनिक भास्कर के सामने टूरिज्म का एक साल बेमिसाल और उस शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में एक नई पहल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की मंशा रही है कि और उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में कोई भी इंडस्ट्री तब तक हम सक्सेसफुल नहीं मान सकते जब तक वो रोजगार जनरेट नहीं करे और मैं समझता हूँ उनके दिशा निर्देश उनके मार्गदर्शन पे हमने जो शुरुआत मध्य प्रदेश में की है एक पहल एक शुरुआत है जिसके थ्रू मध्य प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जनरेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की पहचान जब तक हम नहीं बनाए देश में हमारे यहाँ कोई निवेश आएगा हमारे यहाँ कोई टूरिज्म आएगा। हम टाइगर कैपिटल हैं पर लोग चले जाएंगे जिम कॉबर्ट या रणथंभौर चले जाएंगे उनको तो पता ही नहीं बहुतों को पता नहीं कि ब्रांड नेम जो जिम कॉबर्ट का है ब्रांड नेम जो रणथंभौर का है कि दिल्ली से करीब है यही ब्रांड नेम बने हुए हैं। हमारे भी ब्रांड नेम है हमारा काना बांधवगढ़ पेंच बहुत सारे ब्रांड नेम है पर उस ब्रांड नेम का इतना प्रोफाइल नहीं है तो हमें मध्य प्रदेश के प्रोफाइल को चेंज करना है और इसका एक अंग है कि हमारे रॉयल कुजींस इस प्रकार का कार्यक्रम जो हमारे रॉयल कुजींस हैं हम केवल भोपाल तक सीमित क्यों रखें हम दिल्ली में क्यों ना करें बंबई में क्यों ना करें बेंगलोर में क्यों ना करें हम इसको अमृतसर में क्यों ना करें तो तभी तो मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी हमारा प्रोफाइल बनेगा और यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। Be the first state to include food in the heritage. Absolutely. UNESCO has started this. So that, and I will. खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।